महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए सभी प्रमुख गठबंधन आपस में सीट शेयरिंग और टिकट को लेकर लगातार बातचीत कर रहे हैं। महाविकास अघाड़ी भी अपनी तैयारियों के साथ चुनाव में आगे बढ़ रहा है, लेकिन चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम घोषित करने के उद्धव ठाकरे की मांग पर शरद पवार ने दो टूक कह दिया कि दूसरे का पता नहीं, हमारी पार्टी में फिलहाल कोई सीएम पद का दावेदार नहीं है। कांग्रेस पहले ही इस मांग को खारिज कर चुकी है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता उद्धव ठाकरे और संजय राउत लगातार कहते रहे हैं कि चुनाव से पहले राज्य में मुख्यमंत्री पद के दावेदार के नाम का ऐलान कर दिया जाना चाहिए। हालांकि महाविकास अघाड़ी के अन्य सहयोगी दल इसको लेकर ज्यादा उत्साहित नहीं दिख रहे हैं। पहले कांग्रेस और अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट से ऐसा करने से मना कर दिया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के नेता शरद पवार ने भी कांग्रेस की राह पर चलते हुए कहा, दूसरे का पता नहीं, हमारी पार्टी में कोई भी सीएम पद का दावेदार नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार ने कहा है कि मैं मेरी पार्टी के बारे में बता सकता हूं कि पार्टी में कोई मुख्यमंत्री पद को लेकर इच्छुक नहीं है और ना हम किसी का चेहरा प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि राज्य में सत्ता परिवर्तन हो और जनता की भलाई के लिए हम अच्छी सरकार देना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा, सत्ता परिवर्तन करना हमारी पहली प्राथमिकता है। अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर अभी सवाल खड़े करने का कोई मतलब नहीं है। इससे पहले कांग्रेस नेता नाना पटोले ने भी साफ लहजे में कहा है कि राज्य में सीएम पद के चेहरे का विषय अब खत्म हो गया है। इसके अलावा भी राज्य में कई अन्य मुद्दे अहम हैं। इस तरह से ये साफ हो गया है कि बिना सीएम फेस के महा विकास अघाड़ी चुनावी मैदान में उतरेगी। नाना के बयान से उद्धव ठाकरे की कोशिशों को बड़ा झटका माना जा रहा है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने पिछले दिनों दिल्ली दौरे से लेकर मुंबई में एमवीए की बैठक में खुले मन से सीएम पद घोषित करने की मांग की थी। दूसरी ओर नासिक में कांग्रेस पदाधिकारियों की अहम बैठक हुई। इस बैठक में महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेनीथला ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, विजय पाटीवार और बाला साहब थोरात सहित सभी बड़े नेता मौजूद रहे। इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अपनी रणनीतियों, एमवीए के साथ अपनी सीट शेयरिंग जैसे मुद्दों को लेकर रणनीति बनाती हुई नजर आई। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक पार्टी 135 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन एनसीपी, शरद गुट और उद्धव ठाकरे की शिवसेना इसके लिए तैयार नहीं है।